हेलो एवरीवन, मैं चैतली आपका स्वागत करती हूँ बहु नेस पर। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY विंटेज लैम्प, जिसके लिए मैंने लिया है माजा की बोतल। तो बोतल की रैपर हटाकर इसे इस तरीके से काट लेना है। बीच का कुछ हिस्सा हमें अलग कर लेना है, तो उसके बाद इस तरीके की शेप आएगा। और जहाँ पर आप ये डॉट्स देख रहे हैं वहाँ पर हमें होल कर लेना है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर होल बना रही हूँ। मेटल वायर को मैंने दो छोटे छोटे हिस्सों में काटकर उसे थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है, जिसकी मदद से मैं बोतल के इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ सकूं। तो आप देख सकते हैं मेटल वायर को मैंने इस तरीके से लगाया है ताकि बोतल के ऊपर की हिस्सा अच्छे से खोल सकूं। तो अभी मैं और एक मेटल वायर लेकर उसे थोड़ा सा शेप दे रही हूँ हैंडल के लिए। अभी बॉटल कैप में मैंने जो होल्स बनाए थे तो उसमें मैं इस तरीके से इसे अटैच कर रही हूँ। अभी मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और कार्डबोर्ड के ऊपर मैं इस तरीके से एक शेप बना रही हूँ। उसके बाद मैं इसे काट लूँगी। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेविकॉल ग्लू। तो फेविकॉल ग्लू को मैं इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से लगा लूँगी। और मैंने जो कार्डबोर्ड पीस कट कर लिया था उसे इस फेविकॉल ग्लू के आसपास अच्छे से लगा लूँगी। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल की एयर ड्राई क्ले। ये क्ले दोनों पार्ट्स पे आते हैं, रेजिन पार्ट और हार्डनर पार्ट। तो मैंने अलग अलग से दोनों हिस्सों को थोड़े थोड़े करके काट लिया है और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा और इसे ही मैं आगे की काम करूँगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो एयर ड्राई क्ले है ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक बार में जितना डिज़ाइन कर सके उतना ही आपको हार्डनर और रेजिन पार्ट मिक्स कर लेना है। आप थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाइए और थोड़ा थोड़ा करके आपकी डिज़ाइन भी बनाते जाइए। इससे क्या होगा, आपका जो क्ले है वो वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो जल्दी से सूखने की वजह से बहुत सारे क्ले वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखते हो कि क्ले डिज़ाइन बनाने के टाइम चिपक रहा है नीचे, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। पाउडर इस्तेमाल करने से जो क्ले है वो चिपकेगा नहीं और जो डिज़ाइन आप बनाएंगे वो आसानी से निकल आएगा। यहाँ पर कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छे से ग्लू लगाकर क्ले को मैंने लगा लिया है इसके ऊपर। और आप देख सकते हो मैंने हाथों से ही ये सारे काम किए हैं और मेरे पास कोई टूल्स है नहीं, तो कुछ हाथों से और ब्रश की मदद से मैं इसे स्मूदन कर रही हूँ। अभी ऊपर वाले हिस्से में मैं थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। तो डिज़ाइन बनाने के बाद मैं देख रही थी कि ऊपर की क्ले के साथ नीचे की क्ले चिपक रही थी, तो इसके लिए मैंने इसके बीच में थोड़ा सा न्यूज़पेपर डाल दिया है और क्ले की मदद से मैं ऊपर भी बहुत खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बना लूँगी।
ऊपर का डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद मैंने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया था, तो अभी ये सूख गया है पूरी तरीके से। अभी मैं जो न्यूज़पेपर उसके अंदर में डाला था वो मैं निकाल लूँगी। नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर भी मैं डिज़ाइन बना लूँगी। नीचे का डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये लग रहा है। और मैं अब यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक पेंट। पेंट हो जाने के बाद इसे अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ग्लास पेंट का। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, पर मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और इसे थोड़ा सा विंटेज लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर मेटालिक गोल्ड एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। मैं थोड़ा सा फिंगर टिप पे लूँगी और इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेना है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वर्निश का, और एक ब्रश की मदद से मैं पूरी लैम्प के ऊपर अच्छे से इसे ब्रश कर लूँगी ताकि मेरे जो कलर्स है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। और ये देखिए हमारा जो विंटेज लैम्प है वो रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर फेरी लाइट्स ऐड किया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।